पाकिस्तानी जनता के सिर पर जितने बाल हैं अब इमरान खान उनकी गिनती कर रहे हैं। कमाल की बात है कि उनके आंकड़े एकदम सटीक हैं, यानी पाकिस्तानी जनता के तहमंद की रस्सी बनाकर उस पर उन्हें ही झुलाने की तैयारी है। पर यह पाकिस्तान है, यह बस बोलता और खोलता है। अब चाहे इमरान खान इनके बालों को गिनकर बताए या इनके तहमंद में गांठे मारे, इस वक्त इमरान खान ने पाकिस्तान की लुटिया लुढ़काने की जो प्रक्रिया शुरू की है वह उनके क्रियाक्रम पर जाकर ना रुक जाए तो बड़ी बात हो गई। क्योंकि जिस प्रकार वह पाकिस्तान के आंकड़ों से दुनिया को चौंका रहे हैं उससे पाक फौज का पारा इतना गर्म है कि उन्होंने किराए की पतलूनों को वार्डरोब में समेटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में सेना अगले माह बहुत बड़े पैमाने पर फेरबदल कर सकती है। सेना अपने द्वारा बनाए गए प्रधानमंत्री इमरान खान को हटाकर किसी और की ताजपोशी करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान के जियो टीवी न्यूज चैनल पर इसको लेकर बहस भी हो चुकी है। बहस में शामिल पाकिस्तानी नेताओं का कहना था कि 27 अक्टूबर तक इमरान खान प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद उनको पद से हटाकर किसी नए की ताजपोशी की जाएगी। ऐसा भी कहा गया कि जिस नए शख्स को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा उसके बाद ही भारत के साथ युद्ध करने की रणनीति बनाई जाएगी। इन दिनों पाकिस्तानी सेना इसी पर तैयारी कर रही है। जिन वायदों को लेकर इमरान को पाक का वजीर आजम बनाया गया था वो उन सभी पर सिरे से फैल रहे हैं। इसी वजह से अब उनको हटाया जाना तय है। 2018 में पाकिस्तानी जनता के लिए ना पाकिस्तान का नारा इमरान ने दिया था। इसे संक्षेप में भ्रष्टाचार मुक्त अर्थव्यवस्था और सही तरीके से काम करने वाली सरकार के रूप में देखा गया था। यह इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उभार और सत्ता तक पहुंचने की कहानी भी रहा है। जुलाई 2018 में हुए आम चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग और दूसरी पार्टियों ने इमरान खान को एक मौका दिया। विपक्षी पार्टियों की यह मजबूरी थी कि अगर वो इस चुनाव के नतीजों को नहीं मानते तो आशंका थी कि कहीं यह पाकिस्तान में लोकतंत्र के अंत और फिर से फौजी हुक्मरानों के सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की वजह न बन जाए। इमरान के सत्ता संभालने के साल भर बाद अब लगता है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के उनके वादे हवावाई निकले हैं। अर्थव्यवस्था आगे तो नहीं बढ़ी बल्कि और भी पीछे पहुंच गई है। एक विकासशील देश में हमेशा पूंजीवाद काम आता है। इमरान खान की पार्टी कहती है कि वो सिस्टम को ठीक कर देंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि सिस्टम काम कैसे करता है। इन सब के बावजूद खर्चों की सबसे मुख्य कटौती शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में की गई है। इसका नुकसान होना तय था, वही हुआ। यदि कर्ज की बात की जाए तो एक पाकिस्तानी के मुताबिक नवाज शरीफ की सरकार ने अपने कार्यकाल में जितना कर्ज लिया उसका 2/3 कर्ज इमरान खान की सरकार ने महज 1 साल में ले लिया। विदेश नीति में इमरान की सरकार चीन और अमेरिका के साथ अपने संबंधों में सामंजस्य बिठाने में असफल रही। चीन की महत्वाकांक्षी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना अभी अधर में है। वहीं अमेरिका भी पाकिस्तान को अफगान शांति वार्ता में उसके मुताबिक काम नहीं करने पर कोई भी मदद देने को तैयार नहीं है। जो लोग पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास से परिचित हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आवाज दबाने का प्रतिरोध इतना घातक होता है कि वो सरकार की जड़ों को हिला देता है। जब से सेना ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया है उसके बाद से वहां के हालात खराब बने हुए हैं। अभी तक वहां की जनता महंगाई से परेशान है। इसके अलावा अन्य कई समस्याएं हैं जिसको लेकर पाक की जनता सड़क पर उतर चुकी है। गंदगी, मच्छर और गधों की बढ़ती जनसंख्या यहाँ की अन्य समस्याएं बनी हुई है। सफाई का नामो निशान नहीं है। जनता सरकार को कोस रही है। सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। टमाटर और प्याज जैसी चीजें 200 से 300 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। और तो और करेला भी पाकिस्तान में 300 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। मिर्च 400 रुपए में बिक रही है। भारत के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से तो हालात और भी खराब हो गए हैं। पाकिस्तान तमाम देशों से इस बारे में हस्तक्षेप कर समर्थन की मांग कर चुका है, मगर उसको हर ओर से निराशा ही हाथ लगी है। भारत के खिलाफ साजिश के तहत इस मुद्दे को UNHRC में भी उठाया जा चुका है, मगर वहां से भी पाक को कुछ हासिल नहीं हुआ। और तो और मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान की इस मामले में मदद करने से इनकार कर दिया। कोई भी देश पाकिस्तान की इस बारे में मदद करने या मध्यस्थता की भूमिका अदा करने से बच रहा है।
कश्मीर के मामले में किसी भी देश से मदद न मिलने से पाकिस्तान के आला नेता और सेना अधिकारी दोनों परेशान हैं। भारत के खिलाफ वो खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। सीमा पर कभी कभार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, मगर जिस तरह से वो यहाँ पर आतंकी हमला करके शांति व्यवस्था को भंग करना चाह रहे थे, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन भी यहाँ शांति खत्म करने के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।